तो भैया हरो समय हो गए है कार्यक्रम फोन करे लोगी सुने को, तो जो कार्यक्रम हमारे लेके आ गए हैं और आज एक कार्यक्रम में हम सतीश साहू और हम भैया जयशेखर, तो सभी श्रोताओं को दोई जनों की पहुंच जाए राम राम। और जयशेखर भैया का के वो है, अरे भैया लियो जल्दी से जो पहलो फोन। बिल्कुल। हेलो जी। हेलो सर। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोकगीत सुने। जी नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, कौन बोल रहे हैं? मैं हर प्रसाद लोधी ग्राम अमारवा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बोला सर। हर प्रसाद लोधी ग्राम का बताओ? ग्राम अमारवा जिला छतरपुर। अमारवा छतरपुर घुवारा के पास है सर। अच्छा अच्छा, तो सागर से कितनी दूरी है भैया की? साहब सागर से 80 किलोमीटर दूर है साहब अपने घुवारा श्रीमान जी। अच्छा, तो छतरपुर में मतलब सागर तरफ की दिशा में कहा जो? जी 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 जी। चलो तो हर प्रसाद भैया बहुत स्वागत है आपको। जी सर। और करत का हो आप? साहब खेती करते हैं और थोड़ा सा धंधा करते हैं साहब, 26 साल से धंधा करते हैं कबाड़े का। अच्छा अच्छा अच्छा, पुराने लोहा का। जी सर। और खेती भी करते हैं सर। अच्छा भैया, तो जो पुराने लोहे को काम करत हो, तो अकेले लोहे को करत हो कि भैया कबाड़े में और जितनी चीजें रहते हैं सबको करत हो? सभी को कहते श्रीमान जी, सभी को। अच्छा, तो भैया जब पन्नी को निस्तारण कौन हिसाब से भाव चाहिए, जो पन्नी है पॉलीथिन है जी, जे बहुत नुकसानदायक होते हैं, तो एक को निस्तारण कैसो भाव चाहिए के एक नुकसान जो है न हुए? इसकी तो श्रीमान जी आज 7-8 साल से बहुत चल रहा है, बंद कोई स्कीम चल रही है लेकिन वो नहीं कर पा रहे जी। तो जब तक प्रयास तो बहुत करते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम भी बहुत सफाई करते हैं, जहाँ जाते हैं तो उनकी बता देते जा सफाई करो जा करो, अपने घर भी सफाई करते हैं। चलो ठीक है भैया, और खेती बाड़ी के क्या हाल चाल है? खेती बाड़ी बहुत बढ़िया है सर, मटर लगो चना लगो गेहूँ। अच्छा, जे फसलें खड़ी हैं भैया और पानी तनक ऐसो बार बार अपनो रूप दिखा रहा है, बार बार बादरे हो जाते हैं, तो अगर पानी गिरो तो क्या हुई? प्रगति है सर उनकी, बताओ सब सही है। और सरसों कटन लगे श्रीमान जी? सरसों कटन लगो जी। मसरी सोई बहते? नहीं सर। चलो ठीक है भैया, तो हमारी तो जय दुआ रहे आपरों के प्रति के ऐसो मौसम रहे के आपरों की फसलें खराब न हो पाए। जी सर जी, जी सर जी जी। ठीक है भैया, अब का नाम से अटका लेके आते हैं कार्यक्रम में, पता है आपको? जी सर अटका है सर, बताओ हम बताएंगे। तो आज को अटका लेके आए हैं कि दो मो हल्के एक मो बड़ो जी, और आधो मानस लीले खड़ो। मेढक है सर। का है? मेढक मिंदरवा। मिंदरवा कैसे है भैया? आपने दो मुंह कही है जैसे। दो मुंह हल्के एक मुंह बड़ो और आधो मानस लीले खड़ो। नहीं श्रीमान जी। चलो चलो कोई बात नहीं हर प्रसाद जी, जी और जी। अब बताओ आप अपनी फरमाइश। जी सर, लोकगीत है साहब देशराज पटाया का गाया होगा, बैरागी लाला सन्यासी लाला, चलो चलन दे ढला चला। ढला चला, बिल्कुल भैया। जी सर। हर प्रसाद जी ले आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं देशराज पटेरिया को गाओ भाव जो लोकगीत। बैरागी लला सन्यासी लला, चलो चलन दो ढला चला। बैरागी लला सन्यासी लला, चलो चलन दो ढला चला। ये बैरागी लला सन्यासी लला, चलो चलन दो ढला चला। ढला चला में मच गई लूट, ढला चला में मच गई लूट, सिर भरी सांची पसेरी भरी झूठ। ढला चला में मच गई लूट, सिर भरी सांची पसेरी भरी झूठ। ढला चला में सुनी एक बात, ढला चला में सुनी एक बात, घर को परसैया और अंधियारी रात। बैरागी लला सन्यासी लला, चलो चलन दो ढला चला। ये बैरागी लला सन्यासी लला, चलो जान दो ढला चला। ढला
चला को उरई न छोर, ढला चला को उरई न छोर, कौआ के कोसे मारत नैया ढोर। ढला चला में जब फूटन पर जात, ढला चला में जब फूटन पर जात, सो सोंझ को बाप लड़ैया खात, बेदागी लदा संन्यासी लदा, चलो चलन दो ढला चला, बेदागी लदा संन्यासी लदा, चलो चलन दो ढला चला। ढला चला की बेढंगी बात, ढला चला की बेढंगी बात, सांची कै मौसी को काजर हो जात, सांची कै मौसी को काजर हो जात। ढला चला के दोई ठाट बाट, ढला चला के दोई ठाट बाट, ढला चला के दोई ठाट बाट, गंगाजू की गंगाजू से राजपुर की हाट, बेरागी लदा सन्यासी लदा, चलो जान दो ढला चला, ये बेरागी लदा सन्यासी लदा, चलो जान दो ढला चला। हेलो जयराम जी, सर कौन कर लो किसन है? बिल्कुल भैया जयराम जी, स्वीकार हो आपको, और अपना नाम बता दो। सुशीला मोहन अहरवाल बमोरी डूरर। मोहन अहरवाल बमोरी डूरर जी बोल रहे सर? बिल्कुल भैया, हम जयशेखर ही बोल रहे हैं। तो भैया अपन क्या करा थे मोहन भैया? खेती किसानी काम करा था। बहुत बढ़िया, तो अबे क्या चल रहा अपनो? बस गेहूं कटे बार है बंदराज बनाबाद। अच्छा अच्छा, मौसम भैया तो दिखा रहा है पानी नहीं गिर जाए। हाँ भैया, कल तो कहूँ कहूँ बौछार पड़ी है हल्की। भैया अटका ये बार को बहुत ही अच्छो है, कह रहे हो कि दो मोह हल्के एक मोह बड़ो, आधो मानस लीले खड़ो। ये तो सर कपड़ा है पैंट शर्ट। बहुत बढ़िया भैया, कैसे बता दी झट से आपने? हाँ हाँ हाँ, पैंट के दो मोहरे थे। क्या बात है भैया जी, रे थे भैया अपनी बातें के अटका कम तो दो मिनट में आ जाऊ तो कहीं पूरे दिमाग लगा के लग जाओ। जी सर बिल्कुल। तो भैया हम उम्मीद कर रहे हैं कि अबे जब तक आपकी फसल नहीं कट रही है तब तक पानी रुको रहे। अरे भगवान के पास की आ जाए, अबे फसल सही है। हाँ बिल्कुल, पानी गिर जाए तो जान किसी हरी रही तो आरी हो जाए। सही कह रहे भैया, तो ऐसा कोई के संगे ना हो। बिल्कुल। तो भैया बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे? लोकगीत लालजी पटेल को सुनवा दियो। कौन सा बारो? भजन बिनारी नादान हमारे खूर भैया। चलो भैया हम आपको सुनवाऊ थे राजू पटेल और उनके संगी साथियों को गाओ भाव जो लोग भजन। जयराम जी साहब। जयराम जी भैया। हरि भजन बिनारे नादान उमर खो दई सारी, भजन बिनारे नादान उमर खो दई सारी। ए भैया भजन बिनारे नादान उमर खो दई भजन किया नहीं राम नाम का, भजन किया नहीं राम नाम का, ये भजन किया नहीं राम नाम का, दास बना रहा सदा काम का, दास बना रहा सदा काम का, रे मूर्ख ज्ञान उमर को भजन बिनारे नादान उमर को दई सारी।
हेलो जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है, फोन करे लोकगीत सुने। जी सर, को बोल रहा भैया? सर हम नीलेश प्रजापति बोल रहे सर, पाट आई है। नीलेश प्रजापति जी सर, गांव का नाम का बताओ। पाटाई? हाँ सर, पाटाई। पाटाई कहाँ है भैया? जो सर जो रानीगढ़ रोड पे है सर अपने। पाटन तो खूब सुने, पाटाई पहली बार सुन रहे भैया। हाँ सर, पाटाई है सर, रानीगढ़ रोड पे अपनी हर की माता बैठी है। हाँ हाँ, तो पाटाई से पहली बार फोन लगो हमें लगा। नहीं सर, हमारे से लगो है सर, सर पहले लगो थे लेकिन सर एक दो साल पहले। अच्छा, तो एक पहले कब लगो तो फोन? सर अपने सर लॉकडाउन में पहले लगो सर, लॉकडाउन के पहले सर। अच्छा अच्छा, माने बहुत दिन हो गए भैया। हाँ सर। चलो ठीक है। नीलेश भाई, करत का हो आप? सर हम दुकान खोलत हैं। काय की दुकान खोलत हो? सर अपनी नाश्ता की दुकान है सर, रानीगराई में। अच्छा है। तो भैया का रखत हो आप नाश्ता में? सर अपन समोसा चाट फुल्की आलू चाप खस्ता ये रखते। अच्छा अच्छा, तो भैया इतनी जब पूरी जो चाट की जो सामग्री है, जब पूरी आप खुद तैयार करत के और कोई इसे करवात हो? सर घर पे हम मम्मी पापा और हम कर ले सर, दुकान पे हम ही ले जाते हैं। अच्छा, माने पूरा परिवार व्यस्त रहते है वो में। हाँ हाँ सर। अच्छा भैया, बाकी चीजें तो बनाबो उतो कठिन नहीं है। हाँ? मनो फुल्की बनाबो बड़ो एक तकनीकी पूरो खेल रहे थे वो में। हाँ सर। तो फुल्की घर ही बना थो आप? हाँ सर, घर ही बना था सर, मम्मी बना थे। तो जी काय काय खो मिला के बनत भैया? सर ये सूजी रहे थे। हम्म, सूजी वो सर आटे की सर, अलग से आटो वास सर बाजार में। अच्छा। हाँ। तो वो आटे में और सामान्य आटे में का फर्क रहे थे भैया? सर जितना दाने से रहे थे अपने सर, बिल्कुल बारीक रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तक दानेदार रहे थे सर।
तो एक तो वो भी दानेदार रहत, फिर वो पे दाने वाली सूजी भी मिलाई जात। हाँ सर, सूजी भी मिलाना पड़ा। अच्छा, और कछुए में ऐसी तकनीक रहत है का जोन सा जे अच्छी फूले अच्छी? और कछु नहीं सर। और बस्कारे में भैया जैसे बनात हुई हो तो जे वैसी नहीं हो जात हुई है नरम? हाँ हाँ, नहीं होती है सर। नहीं होता है? अपन मेंदा मिला है, अगर कोई हुई है, अगर नाने हुई है सर, मेंदा ने बने तो। अच्छा, और इनको फिर अच्छो ऐसो संभाल के रखो जात हुई है भैया बंद करके, है ना? और कसर पन्नी में रखने पर असर पड़ी। चलो भैया, तो आपको जो एक दुकान है पूरा परिवार ऐसे चलत जात आपको? हाँ सर, और पापा सर मैकेनिकल को काम करा थे तो मैं चलत जात गुजार। काय को काम करा थे? मैकेनिकल को जी, मोटर वायरिंग को। अच्छा अच्छा, मैकेनिक भी है भी? हाँ। चलो ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। और नीलेश भाई, हर कार्यक्रम में एक अटका लेके आते हैं, आज भी लेके आए हैं। जी सर, बोलिए। आज को अटका है कि दो मो हल्के एक मो बड़ो जी, और आधो मानस लीले खड़ो। सर एक बार तो बोलिए। दो मो हल्के एक मो बड़ो और आधो मानस लीले खड़ो। सर कभी संकेत? संकेत जो है भैया बिल्कुल सबके संग हमेशा रहते है जो। सर नहीं बता पा रहा सर। चलो नीलेश भाई, कोई बात नहीं, फरमाइश बताओ आप अपनी। सर कोई अच्छो हास्य लोकगीत सुना दे बढ़िया। हास्य लोकगीत कौन, कलाकार को नाम बताओ भैया। सर आप सुना दे सर अपने मन से सर। कोई भी? हाँ सर, कोई अच्छो हास्य, मजा आ जाए। चलो ठीक है नीलेश भाई, एक हास्य गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हालांकि ये लोकगीत को विषय तो गंभीर है भैया, मनो इन कलाकार ने हास्य के सीरा में डुबो के अपनी बात कही है। और ये लोकगीत को गा रहे हैं माधव सिंह क्षत्रिय और उनके संगी साथी। आओ आनंद लेते हैं। बूंद बूंद पानी में सबकी जिंदगानी, बूंद बूंद पानी में सबकी जिंदगानी, बचत करो पानी की करियो निहानी, बूंद बूंद पानी में सबकी जिंदगानी, बचत करो पानी। उठे भंसारे दतौर मो धोवे पहल चाहे ने पानी, कलेवा में सूखी रोटी खाओ चाहे हलवा पूरी पहल चाहे ने पानी, सफर में कहूं जाओ तेल साबुन लगाओ पहल चाहे ने पानी, वरना कीमती हो चाहे सस्ते धोवे पहल चाहे ने पानी, को अपने दौरे में आ जाए तो स्वागत में पहल चाहे ने पानी, उस सास बहू में लड़ाई हुए नंद भौजाई में भलाई मनो पहल चाहे न पानी, तो बूंद बूंद पानी में सबकी जिंदगानी, बचत करो पानी की करियो निहानी, बूंद बूंद पानी में सबकी जिंदगानी, बचत करो पानी की करियो चोर होए चाहे पुजारी होए, जेल में होए चाहे मंदिर में होए पहल चाहे न पानी, पूजा पाठ होए चाहे तीर्थ क्षेत्र पे हो भैया पहल चाहे न पानी, हार पहाड़ में होए चाहे मेला बाजार में पहल चाहे न पानी, साजे होए चाहे आंध्रे मूर्ख होए चाहे ज्ञानी मनो पहल चाहे न पानी, और भागवत होए चाहे राई भाग होए पहल चाहे न पानी, गिलाय में छवे आए घोड़े कई कुर्सी पे बैठो सो धोवे पहल चाहे न पानी, वो खराब सो जी भग चक्कर सो भरिया तो कुल्ला कर वे पहल चाहे न पानी, तो बूंद बूंद पानी में सबकी जिंदगानी, बचत करो पानी की करियो निहानी, बूंद बूंद पानी में सबकी जिंदगानी, बचत करो पानी की करियो चाहे नौकरानी उनो चाहे न पानी, और सैलून में गए बार बनवावे चाहे होटल में पहल चाहे न पानी, तो दवाई में चूरन गोली खाओ जहाँ प्यास लगी मैं चाहे न पानी, और खावे को बहुत चीजें हैं मनो भैया पीवे को एक पानी, तो संसार की रचना एक तरफ जीवे को एक पानी, तो बूंद बूंद पानी में सबकी जिंदगानी, बचत करो पानी की करियो निहानी, बूंद बूंद पानी में सबकी जिंदगानी।
जा शादी में पंगत बैठी पेल चाय ने पानी और बासन पटली छवे धरे धोवे खो पेल चाय ने पानी लीबे पौध में शुद्ध सफाई खो पेल चाय ने पानी वो कड़ी भात कुचिए हो चाय रसगुल्ला जलेबी पेल चाय ने पानी गरे में कोर अलगा सो प्राण कड़े हम तो मर गए तो पेल चाय ने पानी वो जन्म मरण हो चाहे उल्टी दस्त हुए भैया पेल चाय ने पानी तो बूंद बूंद पानी में सब्जी बचत करो पानी की करियो निहानी को चुनी चापर बनाओ सानी पेल चाय ने पानी वो मकान कच्चो होए चाय पक्को होए गट्टी रेता में पेल चाय ने पानी खेती में कुआ होए चाय डबरा डबरिया पेल चाय ने पानी गोबर कूड़ा की सड़ी पाच बनाओ भैया मनो पेल चाय ने पानी सियारी उनारी पेल होए तो पेल चाय ने पानी वो पेड़ पौधे लगा फूल बाट का सजा तो सींच वेखो पेल चाय ने पानी तो बूंद बूंद पानी में सब की जिंदगानी बूंद बूंद पानी में सब की जिंदगानी बचत करो पानी की करियो निहानी बचत करो पानी की करियो निहानी हेलो हेलो जयराम जी भैया फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत कर रहा है आपको अपना नाम बता दो कमलेश भैया कहाँ से हैं बोल रहे क्यों लारी से तो कमलेश भैया कछु अपने बारे में बता दो क्या कर रहे हो क्यों लारी में अच्छा तो खेती में अबे तो कटाई चल रही हुई है कटाई मछली बढ़ रही है अरे वाह तो कितने एक भाई मछली अच्छी भाई के नहीं अरे भैया खेती तो अपन की जो मानसून पे आधारित है जा तो अपन को कबू अच्छी तो कहूँ बहुत अच्छी ऐसा नहीं कि भैया अपन को हमेशा अच्छी अच्छी चले तो बहुत ज्यादा अच्छा रहे हम तो जा कह रहे हैं कि आप खेती कर रहे हो तो आपके लाने एक जीवन दर्शन ही मानो किसान वाणी कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा किसान वाणी इन कार्यक्रम को आप सुनत रहे हो तो आपकी खेती आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से बड़े आराम से हो जाए भैया घर बैठे भैया आपको अच्छे अच्छे डॉक्टर जो पशुपालन बताऊ थे अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं जो खेती कृषि के बारे में बताऊ थे मिट्टी को परीक्षण कैसे हो बीज उपचार कैसे हो जिस सारी बातें तो मिल जाते भैया हाँ और सबसे उम्दा तो वो लगा था भैया जो प्रगतिशील किसान हो थे यानी जिनने अपनी खेती में कछु बहुत ही अच्छो कल्ला हो थे और बे भैया जब अपनी बातें बताते के भी इतने तक कैसे पहुंचे हैं तो रामदेव बई बात बहुत बढ़िया हो जाऊ थे तो भैया हमें उम्मीद है कि आप हमारे कितने के कार्यक्रमों से भरपूर लाभ उठा हो और अब हम पूछ रहे हैं भैया अटका अटका कह रहा है कि दो मोह हल्के एक मोह बड़ो आदो मानस लीले खड़ो हाँ भैया इंसान की चीज है अपन और की रोजमर्रा की चीजें हैं जी एक के बगैर काम नहीं चला था अपनो नहीं बन पा रहा कोई बात नहीं भैया तो अब हम आ पहुंचे हैं वो जगह पे जहां हम पूछे भैया लोकगीत कौन सा है सुनने तो भैया हम आपको सुनवाऊ थे चुन्नीलाल रेखवार की गाय भाई जड हमारी आई मोरे मन के चलन लगे राजा खेलवाना से लागन लगे तुमने जुआ
नमस्ते। आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है, फोन करें लोकगीत सुने। हाँ जी सर, मुझे लोकगीत सुनना है। बिल्कुल, पहले आपको नाम तो सुनवाओ ना, को बोल रही हैं आप? नाम राम सखी बोल रहे, अम्बेडकर चौक से। राम सखी अम्बेडकर चौक खुरई से जी। राम सखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में जी सर। और बताओ बिन्ना, कहाँ चल रहा हो? एक पहले कब लगो तो आपको फोन? सर अब 3 महीना से ऊपर हो गए। चलो बिन्ना, तो कहाँ चल रहा हो अब? बस अबे तो चाय बना रहे। अच्छा, चाय बना रही हूँ। और आपको तो कछु समूह वगैरह भी है तो ना? शायद नहीं है समूह सर, आंगनबाड़ी में है और टेलरिंग का काम करते हैं। हाँ है। हाँ, ऐसे ही हमें ध्यान हती, टेलरिंग को काम करत हो आप, है ना? हाँ, तो टेलरिंग को काम बिना कौन कौन सो करत हो आप? लेडीज वालों करती हो कि जेंट्स वालों सब करत हो? लेडीज वालों करते हैं सर, बच्चे वालों, लेडीज वालों, साड़ी फाल। अच्छा अच्छा, तो जैसे आजकल साड़ी फाल की बात करें जी, तो साड़ी की फाल दो तरीके से लगाई जाती है, मशीन से और हाथ से जी सर। तो अपनी जो बिन्नाहर है आपके पास आत हुई है, आपकी ग्राहक जे कौन हिसाब की फाल लगवा वो पसंद करती हैं, हाथ से के मशीन से? सर हम तो हाथ से, एक तरफ मशीन से लगा देते हैं, नीचे ऊपर हाथ से लगा देते हैं। अच्छा, मशीन नहीं रखे आप? मशीन वो नहीं है, फालवारी नहीं है। अच्छा अच्छा, वो में जो है नायलोन को धागा चलत है ना, जो बाजार से करवाई जाते है? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, तो मजबूती काय की रहते वैसे, हाथ से जो लगाई जाते है वो की रहते है कि मशीन वाले की रहते है? वैसे तो मशीन वाले की होना चाहिए मजबूती, क्योंकि अभी तो हमने मशीन वाली लगवाई नहीं है। अच्छा अच्छा, और रेट का चल रहा है? जैसे कोई एक साड़ी में आपको फाल लगा के देने हैं तो कितने पैसा लेती हूँ आप? एक साड़ी के 20 रुपया लेते हैं सर। लगवाई फाल ओई की रहे? हाँ, फाल ओनाई की रहे। और जैसे फाल भी आप लगा के दे तो फिर कितनो पैसा लेते हो? तो फिर 40 रुपया ले हैं सर। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। और पीकू पीकू भी करती हूँ का? जी पीकू नहीं करते सर, वो ऐसे मशीन से छोटा सिल देते हैं, ब्लाउज भी सिलते हैं। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छो काम चले है ना। कैसे टेलरिंग की जहाँ तक बात है बिन्ना, तो जेंट्स टेलरिंग की अगर बात करी जाए तो जो रेडीमेड कपड़ों की दौर आ गया है एक। हाँ, तो वो रेडीमेड ब्लाउज भी आ गए सर, बहुत कई प्रकार के। हाँ हाँ, तो ऐसा कछु काम पे बहुत खरीदने लगी रेडीमेड, कम से लगवाती है। तो ऐसा कछु सिलाई को काम कम भी भाव हुई है ना? हाँ, कम होगा सर। चलो ठीक है बिन्ना, तो हमारी तो यही दुआ है कि आपको अच्छो काम चले। हाँ, और साड़ी लेती हूँ तो साड़ी के साथ को तो बनवा लेती हूँ।
अच्छा 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 चलो बिन्ना, और अब अटका पे आते हैं अपन, तो आज को अटका बताएं आपसे। जी सर। तो आज अटका लेके आए हैं कि दो मोह हल्के एक मोह बढ़ो और आधो मानस लीले खड़ो। सर पजामा या सलवार? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हमें लग रहा हो तो कि आप चूंकि कपड़ों के काम से, टेलरिंग के काम से जुड़ी हो, तो आप तो बते हो ही जो एक उत्तर है ना। हाँ, जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है। और राम सखी बिन्ना आप बताओ आप अपनी फरमाइश। फरमाइश प्यारी बिटिया के कर दे पीले हाथ जो राम कौन? किशोर मुखिया का। तो राम सखी बिन्ना, राम किशोर मुखिया को गाओ जो विदाई गीत तो नहीं उपलब्ध हो पाओ है, हम क्षमा चाहत है। इन्हीं को गाओ, हम एक बहुत प्यारो सो लोक भजन आपको सुनवा रहे हैं, आओ सुनत है। अरे मैली चुनरिया धुबा लो, मैली चुनरिया धुबा लो, चटकदार रंग में रंगा लो। मैली चुनरिया धुला लो, चटकदार रंग में रंगा लो। मैली चुनरिया धुबा लो, चटकदार रंग में रंगा लो। अरे सैया की दई नई चुनरिया तुम्हारी, सैया की दई नई चुनरिया तुम्हारी, कैसी अनमोल हति भारी प्यारी, कैसी अनमोल हति भोतौ प्यारी। तो तेने तो दाग लगा डारो, तेने तो दाग लगा डारो, चटकदार रंग में रंगा लो। मैली चुनरिया धुआ लो, चटकदार रंग में रंगा लो। अरे पैरी है जब से लगाओ ना पानी, हाँ पैरी है जब से लगाओ ना पानी, जासे दिखान लगी भारी पुरानी, जासे दिखान लगी भारी पुरानी। तो ज्यों की त्यों फिर से करा लो, चटकदार रंग में रंगा लो। मैली चुनरिया धुला लो, चटकदार रंग में रंगा लो। सो कछु दूर तुमको रंगावे न जाने, अरे कछु दूर तुमको रंगावे न जाने, कछु बड़ो खर्चा रंगाई न जाने, कछु बड़ो खर्चा रंगाई न जाने। चर्चा तो इतनी चला लो, चटकदार रंग में रंगा लो। मैली चुनरिया धुआ लो, चटकदार रंग में रंगा लो। अरे चाहे जौन रंग की और जैसे बरन की, हाँ चाहे जौन रंग की और जैसे बरन की, हरी हर जाके रंगाए लियो मन की, हरी हर जाके रंगाए लियो मन की। अरे फिर आके नई से मिला लो, हाँ फिर आके नई से मिला लो, चटकदार रंग में रंगा लो। मैली चुनरिया धुआ लो, चटकदार रंग में रंगा लो। मैली चुनरिया धुला लो, चटक
चटकदार रंग में रंगा लो, चटकदार रंग में रंगा लो, चटकदार रंग में रंगा। हेलो हेलो भैया, फोन करें लोक गीत सुनने में स्वागत कर रहा है आपको, अपना नाम बता दो। अरे जयशंकर जी नमस्कार। नमस्कार भैया, अपना नाम बता देते तो बहुत ही कृपा होती है आपकी। हम राजकुमार अहिरवार। राजकुमार भैया कहाँ से बोल रहे हैं? तो भैया करकट। अरे वाह भैया, तो राजकुमार भैया अबे क्या कर रहे हो आप? अरे तो कुछ नहीं जो अपने काम करा था अपन तो मोटरसाइकिल को। अरे वाह भैया, बजा तो बहुत ही अच्छी बात है। आजकल देखो टू व्हीलर ही खूब चल रहे हैं, लेकिन आप काम करो वो के संगे लोगों को सावधान भी करो कि भैया हेलमेट जरूर लगाने हैं और फोन नहीं अपन को करने हैं मोटरसाइकिल चलाते भाई। मोटरसाइकिल चलाते समय फोन भी नहीं करने। हाँ, और अगर फोन अपन वहाँ का तो साइड में गाड़ी लगाओ फिर बात करो। लो भैया इतनी अच्छी बात है, आप तो भैया जितने ग्राहक आपके पास आए उनको सभी फोन जैसे लाए देने। आजकल सर का करन लगे है आदमी। हाँ, हाँ। जो हेडफोन लगाई कानों में। हाँ। हम तो कछु कछु बात नहीं कही, हेडफोन लगाए हैं। हाँ, और कहीं अपन बात कर चल रहा है, ब्लूटूथ लगाई कहीं फोन आगे अपन ने उठा लो। और भैया पीछे से गाड़ी आ रही है, अपन को दिखाई नहीं दे रही, सुनाई दे, दिखाई नहीं दे रही, तुमने तो कह रही की हम बात कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारा ध्यान तो पूरा ही बढ़ रहा फोन पे। सही कह रहे हो, इसे जब भी बात करने तो साइड में लगाओ, हेलमेट को ध्यान रखो और सिग्नल को ध्यान रखो। ज्यादा बात हो गई भैया, बहुत जरूरी, लेकिन अब एक और जरूरी बात बता दो कि कबू अगर कहूँ रास्ता में जा रहे हैं और बीच जंगल में आधी रात को अगर अपन की मोटरसाइकिल खराब हो जाऊत है तो सबसे पहले अपन को काका चेक करने चाहिए और कैसे अपन ठीक कर सकते हैं, कछु मोटी मोटी बातें बता सकते हो आप? सबसे पहले तो अपन प्लग चेक करने चाहिए। हाँ, और थोड़ी उतार के ध्यान देना चाहिए, और भी जो छोटी मोटी सुविधाएं जुड़ी थे। हाँ, हाँ। पहली बात तो अपन को थोड़ी बहुत अपने जैसे काम की चीज है पाना वगैरह प्लास वगैरह तो अपन को ऐसा नहीं होना चाहिए बीच में मिस्त्री की जरूरत पड़े, थोड़ा बहुत काम अपन खुद कर सके। हाँ, वो ये हम आपसे पूछो चाह रहे थे कि जैसे प्लग चेक कर लो और क्या कर सके थे अपन? और जैसे कि अपनों कार्बेटर की यहाँ पे कोई स्पिन और रहती है। हाँ, बारीक वाली। हाँ, ब्लेड से खुरच दो अपना। हाँ, और अपना पेट्रोल भी देख लो अपन ने के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, जैसे तो नहीं कहो पेट्रोल बंद करके अपन गाड़ी चलाए तो अपन पूरी वही में परेशान हो। बिल्कुल भैया, इतनी सही बात कही कि अपन बड़ी बड़ी चीजों में घुसन लगाते, छोटी चीज पता नहीं है कि पेट्रोल बंद है। पेट्रोल बंद है, रूप अपन ध्यान नहीं दे रहे भैया। जिस बाल बच्चे खड़े भाई तो बाल बच्चे हर कर जरूर कर। हाँ, बहुत ही नौनी बातें बताई आपने भैया, और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता भैया जो सुन रहे हैं उनकी ये बहुत ही काम की बातें आपने बताई हैं। तो अब भैया अब हम आपसे पूछ रहे हैं अटका। अटका कह रहा है कि दो मोह हल्के एक मोह बड़ो, आधो मानस लीले खड़ो। दो मोह हल्के एक मोह बड़ो, आधो मानस लीले खड़ो। ये तो सर पेंट है पजामा। हा 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 भैया रामधई, आप अच्छे मिस्त्री कहलाए कि मोटरसाइकिल को आवाज सुन के बता दी कि एक ही टाइमिंग चेन खराब है। और अटका सुन के ही आपने बता दो कि एक जवाब का है। हाँ। अच्छा खड़ा खड़ा जब बोलने लगे तो आप समझ जाते हो कि टाइमिंग चेन को टाइट करने हैं या बदलने हैं? टाइमिंग चेन बदलने हैं कि चेन स्पार्कट में मिस्टेक है कहूं न कहूं, वो तो देखना ही पड़ेगा। और ज्यादा खड़खड़ा रही है तो बोर हुई है भैया। और बहुत अपन ग्राहक को जो भी बताना पड़ेगा भैया, देखो ये चीज में तुम्हें सावधानी है, तुम करवा ले तो ठीक है, ना तुम्हारा भी नुकसान हो सकता। अच्छा एक आखिरी सवाल और बता दो फिर, वो के बाद हम फरमाइश पूछ रहे हैं कि अपन को साल में कितनी बार मोटरसाइकिल की सर्विसिंग करवाने चाहिए? सर मैं नई जैसे अपने मोटरसाइकिल नई ली है। ये मत सोचो कि हमने तो नई ली गाड़ी। हाँ हाँ, मतलब जितनी सर्विसिंग वो चार या तीन, मतलब जितनी भी अब तुम्हें चार हैं। हाँ ठीक है, साल में। हाँ, तुम चार ने करवा के तीन जरूर करवाओ, पैसों को ना डराओ सर्विसिंग नहीं करवाओ, काहे वो नई नई गाड़ी दिए थे, नई नई औजार भी दिए थे, जल्दी हो सका ढीले भी हो जाते, कच्चे भी हो जाते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दे भैया, अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवाए? लोकगीत सुनवा दे जी अपनी सियावाई जाता हूँ। हाओ चढ़ देखो मोरे बाबोले
बिल्कुल भैया, आकाशवाणी केंद्र सागर कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोकगीत सुने जी। कौन बोल रहे भैया? जितेंद्र लोधी पजनारी से। जितेंद्र लोधी पजनारी। पजनारी, पजनारी कहाँ है भैया? बंडा के पास, बंडा से 9 किलोमीटर, बंडा बांधी रोड पे। बंडा से बांदरी तर पे जाओ तो पजनारी, ठीक है भैया बिल्कुल। फिर आगे चल के मगरधा वगैरह है ना? हाँ भैया ठीक है। मेन रोड से 2 किलोमीटर है पजनारी अंदर में। हाँ 2 किलोमीटर। हाँ, फिर आगे चलो सो मगरधा है, रोड़ा है, राख है ना? हाँ, ये फिर विनय का रोड पे। विनय का रोड पे सही कह रहे भैया। तो बताओ भैया, जितेंद्र भैया क्या करत हो आप पजनारी में? ये पढ़ाई हती से छोड़ दी है। पढ़ाई कौन सी तक करी? यही लगे हैं, शटर सुधार रहा भाई। तो का शटर सुधारा थो? नहीं, अपनो है सो, अब रेडी करके रख रहा है, फसल आवे वारी है जी किसी से। अच्छा अच्छा, तो कोनू बड़ो हॉल हुई है ना? चलो भैया, हाथ से चलावे वारे 3 पहिया के कटर नहीं दे। अच्छा कटर की कह रहे हो आप? हाँ कटर। चलो भैया, तो जागरूक किसान जय कहा था भैया के काम आवे के पहले ही जो है पूरी तैयारी करके रखे है ना? जी जी। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने जे औजार जो है तैयार करके रख रहे हो। बहुत देर से सर फोन लगा रहा है, बहुत देर में लगा है। चलो भैया, तो लग गई तो जो नए लगावे को दुख हतो वो पूरा समाप्त हो जाते हैं नए लगवे को। हाँ, हाँ। चलो ठीक है भैया, तो फसलें कैसी हैं? ठीक ठाक है अभी। जो बार बार भैया पानी जैसो मौसम होते है, बादरे जैसो मौसम होते है, तो थोड़ी सी आशंका होती है ना? हाँ होती है, मसूर असूर के लिए, चनाना के लिए नुकसानदायक है अभी। अच्छा, और गेहूं के लाने? गेहूं के लाने जैसे हमारे इधर है तो अभी तो पानी चल रहा है, हमारे इधर इसमें पानी चल रहा है अभी गेहूं में। अच्छा, तो जा बाद की बोनी हुई है भैया है ना? हाँ हाँ हाँ। तो जो पहले की बोनी होती उनमें नुकसान हो जाए अगर पानी गिरे तो? हाँ उसमें नुकसान है। अच्छा, और जितेंद्र भाई जी, आपके गाँव को नाम जो है पजनारी। हाँ हाँ। जो सुनत है सो बड़ा उमदा नाम लगत है भैया, पजनारी नाम काय पड़ो के पीछे की कछु कथा पता है आपको? नहीं जा तो मालूम नहीं है, अब सियाने बूढ़े हर उनको मालूम है। चलो तो आप भी पता करके रखियो भैया, अगली बार जब फोन लगे तो बताइयो। हाँ, कहा तो पजनारी गांव बहुत जगह फेमस भी है, जैन मंदिर है हमारे इधर। हाँ 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 बिल्कुल है, दूर दूर से लोग आते हैं। चलो ठीक है भैया, और खेती बाड़ी के अलावा और भी कछु करत हो का? सर पुणे में थे हम, वही काम करते हैं। तो भैया आप कह रहे पढ़ाई छोड़ दी, तो कौन सी कक्षा तक करके छोड़ दी आपने? 12वीं तक। तो काय छोड़ दी भैया, आगे काय नहीं करी पढ़ाई? हाँ जी सर, घर पे पापा के लिए करने के लिए तो सर थोड़ी व्यवस्था नहीं, परिस्थितियां ऐसी बन गई कि आपने छोड़ दी पढ़ाई। चलो भैया, तो कबो मौका लगे तो प्राइवेट ही पढ़ियो, लेकिन पढ़ाई को एकदम दरकिनार नहीं करो चाहिए अपन को है ना? हाँ जी बात तो है। चलो जितेंद्र भाई, और अब आज के अटका पे आते हैं अपन। जी सर बोलिए। तो आज अटका लेके आए हैं कि 2 मोह हल्के 1 मोह बड़ो और आधो मानस लीले खड़ो। 2 मोह हल्के 1 मोह बड़ो। हाँ, और आधो मानस लीले खड़ो। आधो मानस लीले खड़ो। संकेत अंकेत तोड़ो। संकेत भैया रोजमर्रा की चीजें हैं जी, अबे भी आपके संगे है और सबके संगे रहे थे, एक के बिना काम नहीं चलत। अच्छा हाँ जी, नहीं आ रहा समझ में। चलो कोई बात नहीं जितेंद्र भाई, और अब बता दो आप अपनी फरमाइश। जी चुन्नी लाल रेकवार को सुन रहे हैं। चुन्नी लाल रेकवार जी की फरमाइश तो आ गई भैया? आ गई है। चलो ठीक है, तो जयंत विश्वकर्मा का कोई भी सुना। जयंत विश्वकर्मा को कोई भी लोकगीत? हाँ कोई भी। चलो ठीक है बिल्कुल ले, तो आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं जयंत विश्वकर्मा को गाओ भाव जो लोकगीत। अरे धन्य धन्य है हमारे, अरे किसान भैया धन्य धन्य है हमारे, किसान भैया धन्य धन्य है हमारे, किसान भैया धन्य धन्य है हमारे। किसान भैया भैया हो, किसान भैया धन्य धन्य है हमारे, किसान भैया धन्य धन्य है हमारे, किसान भैया धन्य धन्य है हमारे।
जड़कारो देखे ना घाम और ततूरी, जड़कारो देखे ना घाम और ततूरी, तन मन और धन से करें सेवा सबूरी, तन मन और धन से करें सेवा सबूरी। अरे सभी गांव बारे किसान भैया धन्य धन्य है हमारे, किसान भैया धन्य धन्य है हमारे। करके कलेवा रोज निकर जा तुहार खो, करके कलेवा रोज निकर जा तुहार खो, भगवन भरोसे छोड़ जावे परिवार खो, भगवन भरोसे छोड़ जावे परिवार खो। स्वभाव सरल बारे हर धर्म करम बारे, किसान भैया धन अरे फटी तिथि पर दनिया पाँव में पनैया, फटी तिथि पर दनिया पाँव में पनैया, मुड़ पे धरे चारो हाथ में पगैया, मुड़ पे धरे चारो हाथ में पगैया। जे पालन हारे हा जे पालन हारे, किसान भैया धन धन्य है बुंदेलखंड की धरती प्यारी, धन्य है बुंदेलखंड की धरती प्यारी। हरी हरी रेवे विनय हरी से हमारी, हरी हरी रेवे विनय हरी से हमारी, और हरी के सहारे किसान भैया धन्य धन्य है हमारे, किसान भैया धन्य धन्य है हमारे, किसान भैया धन्य धन्य है हमारे, किसान भैया धन्य धन्य है हमारे। तो भैया हरो जयंत विश्वकर्मा के गाए ए लोकगीत के संगे अब आज को जो कार्यक्रम समापन की तरफ सतीश भैया हाँ। गदबद नहीं लगाओ, गदबद नहीं लगाओ, कई श्रोताओं ने तो जवाब दे दिया अटका को, मगर कई श्रोता तो जवाब ही नहीं दे पाए। बिल्कुल भैया, तो बिल्कुल की व्याख्या कर दो, हम एक बोल रहे हैं और आप व्याख्या करो भैया कि जो अटका हतो का अटका कह रहा हो तो भैया दो मोह हल्के एक मोह बड़ो, बिल्कुल आधो मानस लीले खड़ो। बिल्कुल भैया, तो जैसा कि कई श्रोताओं ने को उत्तर दे दो, सीधो सीधो सो उत्तर है पजामा पेंट या पतलून अपने को कह सकते हैं, सलवार कह सकते हैं। बिल्कुल, के एक एक जहां नाड़ो रहे थे वो बड़ो मोह है, और दो जहां अपन पांव डारा थे वे हल्के मोह है। तो दो मोह हल्के एक मोह बड़ो और आधो मानस इसमें समा जाते, कमर तक पैर भी को जो वस्त्र रहते हैं तो आधो मानस लीले खड़ो। बहुत ही अच्छो अटका है। तो भैया आप लोगों से भी हम अटका आमंत्रित कर रहे हैं कि आप भी नोने नोने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे अटका हमारे तक पहुंचाओ भैया, हमारे उन अटका को शामिल करें। और जल्दी से लिख लो भैया अटका भेजवे को नंबर, अटका आपको भेजने हैं ए नंबर पे, नंबर है 9770432297। तो भैया ये नंबर पे व्हाट्सएप आप जो है कर सकते हो, अटका अच्छे से लिखो और व्हाट्सएप कर दो भैया, चाहो तो चिट्ठिया भी लिख के भेज सकते हो। और भैया
फोन करे लोकगीत सुने को नंबर और बता दो अपने श्रोताओं को। तो भैया फोन करबे के लाने माने फरमाइश करबे के लाने हमारो को नंबर है 240-845 और ए नंबर के पहले आपको लगाने पर है सागर को एसटीडी कोड। तो वो है 07582। बिल्कुल। और भैया अगर आप चाहत हो कि आप जहां हो उतई से कबूं भी अपने एक कार्यक्रम को सुन सको तो भैया हमारे ऑफिशियल आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भैया। बिल्कुल तो बिल्कुल भैया, किसी भी टाइम भैया आप अपने ये कार्यक्रम को सुन सकते हो। बिल्कुल। और ऐप के माध्यम से तेको लाइव प्रसारण भी आप सुन सकते हो भैया। वाह कितनी अच्छी बात भाई भैया। बिल्कुल अब हो गई है चलबे की बेरा मनो। ओके पहले जयशेखर भैया हम बता दें कि आज के एक कार्यक्रम में श्रोताओं से बतकाव कर रहे थे हम सतीश साहू और हम भैया जयशेखर। तो भैया हरो अगले कार्यक्रमों में आप और उससे फिर भेंट हुई है ए उम्मीद के संगे फिलहाल चाहते अनुमति हम दो जनों की राम राम।